एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने 10 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई हूँ। कुमार गौरव सर की जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई है उसकी मैं हैंड रिटन नोट्स बना के लेकर आई हूँ। तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटेव बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किया है? तो ये म्यांमार है। इन्होंने यहाँ पर एक बंदरगाह सिटवे स्थापित करने के लिए ये अधिकार परिचालन किया है। और ये है एक प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें भारत और म्यांमार के जो हैं वो कनेक्टिविटी करना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ से कनेक्ट करना है, इसका एक उद्देश्य है। कोलकाता से ये स्टार्ट होगा आपका और म्यांमार तक जाएगा। अब म्यांमार में रखाई प्रांत जो है वहाँ पहुँच के फिर ये मिज़ोरम में जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उससे कनेक्ट करना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को शेष भारत से कनेक्ट करना ही इसका उद्देश्य है। और जो परिचालन कर रही है वो कंपनी कौन है? वो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है। ये भारत का सेकेंड बंदरगाह है। पहला जो बंदरगाह है वो चाबहार बंदरगाह है, वो जो ईरान में है। और विदेश में भारत का सेकेंड बंदरगाह जो बन चुका है वो सिटवे बंदरगाह बन चुका है। और 500 मिलियन अनुदान दिया है भारत ने म्यांमार को। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और इसकी राजधानी पहले रागूर थी। वर्तमान इसकी राजधानी नापीता है। मुद्रा क्वाइत है। अराकुनामा पर्वत भी है वहाँ पर म्यांमार में, और इरावती नदी भी यहीं पर बहती है। म्यांमार और भारत और म्यांमार की सीमा पे चार राज टच होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत की तरफ से करुणा ऑपरेशन चलाया गया था आपका म्यांमार में। ललन टॉप पॉइंट्स है कि दुकाम बंदरगाह कहाँ है? जो ओमान में है। ओमान की राजधानी मस्कट है। बिजगम पोर्ट कहाँ पर? ये केरल में है। और चीन, बिजगम जो पोर्ट था वहाँ पर चीन का पहला जहाज यहाँ पर पहुँचा था। जो लोथल पोर्ट था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। और ये कहाँ पड़ता है? जो गुजरात में है। सेकंड क्वेश्चन है, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये यूलिया नवलानाया को चुना गया है। ये वाइफ है अलेक्सी नवलेनी की। ये रूस के विपक्षी कार्यकर्ता थे जिनकी अभी 2024 में मृत्यु हुई है। इनका निधन साइबेरिया जेल में हुआ है। प्रतिंजर अवार्ड जो 2024 में किसको मिला? रिकेन यामामोटा को मिला है, जो जापान के रहने वाले हैं। मिसेल टेलगेट जो है इनको एवल पुरस्कार मिला है मैथ के लिए, जो पुरस्कार दिया जाता है। ललन टॉप पॉइंट से कि सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है, जो मलयालम से संबंधित है। व्यास सम्मान पुष्प भारती को मिला है यादें के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो किसको मिला? वो संजीव जी को मिला हिंदी में, हिंदी के लिए जो है, हिंदी भाषा का जो है। और मुझे पहचानों के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलता है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद में तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? तो ये आर्टिकल 2 हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में इसमें मान्यता दी है। आर्टिकल 14 जो है रूल ऑफ लॉ है, विविध का शासन करना है। और आर्टिकल 21 जो है जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। अभी जो हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश बैठे थे जहाँ पर जलवायु परिवर्तन के बारे में, जहाँ पर जो डी वाई डी चरण जू हमारे न्यायाधीश हैं वो भी इस मीटिंग में थे। और प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। केस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये गोडवाना जिसे बोलते हैं, जो राजस्थान में है। राजस्थानी गोडवानों को पक्षी भी बोलते हैं इसको। आर्टिकल 21 जो है वो निष्ठा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी भी है। इसी में 21A भी आया था जिसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ था, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। पुट्टा स्वामी केस जो है ये आपका था निष्ठा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी। पर्याप्त निंदा का अधिकार बाबा रामदेव केस में बोला गया है। और समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये नवरोज कौर केस में ये बात कही गई है। ललन टॉप पॉइंट है कि केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 का एक केस है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान का मूल ढांचा जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मिनरव मिल्स मामला 1980 में आया था जब इंदिरा गांधी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये इस 1980 के जो मिनरव मिल्स मामला था इसमें ये बात बोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम
इगला एस का अधिग्रहण किया है। तो इगला जो है वो रूस का है, अधिग्रहण किया है भारतीय सेना ने, रूस का है ये, भारत का अधिग्रहण है। और यूज़ करना है बसोरत जो है बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें इसका यूज़ किया जाएगा इगला का। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि समर जो है वो सरफेस टू एयर सिस्टम है, S-400 ट्रम्फ है जो रूस का है एयर डिफेंस सिस्टम, और आयरन डोम जो है वो इजराइल का एयर जो एयर डिफेंस सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बन चुके हैं, तो ये रस कुक बन चुके हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था कैप अगुलास से जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, और यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, और अंतिम पॉइंट है ट्यूनीशिया का, लेकिन ये अफ्रीका का उत्तरी देश है। ट्यूनीशिया जो क्रांति हुई थी यहाँ से, जैस्मिन क्रांति यहाँ से स्टार्ट हुई थी। पोप ऑफ गुड होप पहुँचने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ये बाथो लोमिया डियाज थे जो पहले पहुँचने वाले थे। पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैगलन था। भारत की भूमि पर पहुंचने वाला पहला विदेशी कौन था, तो ये वास्को डिगामा था जो 1498 में कालीकट पहुंचा था। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला पहला व्यक्ति एडमंड डिलहरी और तेंजिन नॉर्वे थे जो 29 मई 1953 में पहुंचे थे ये। दक्षिण पोल पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो एमुंडसेन थे जो दक्षिण पोल पर पहुँचने वाले पहला व्यक्ति। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज अवार्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये गिरसा बोरो ने बनाया सोनोबे, लेकिन ये इन्होंने बनाया है और जुआन विसेंट वेंजुला के रहने वाले थे, निधन अभी इनका हुआ, जो एकमात्र 114 वर्ष के थे। वर्तमान में जीवित उम्रदराज पुरुष जो है वो लिवरपूल के रहने वाले हैं, जिनका नाम है जॉन अल्फ्रेड और इनका जन्म लिवरपूल में हुआ था। जीवित महिला हैं जो सबसे उम्रदराज हैं वो मारिया मोरेरा हैं, 117 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मोटे कार्लो मास्टर में मुक्त ड्रॉ मैच जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ये सुमित नागल हैं जो टेनिस का है, और फ्रांस इस बार इसका होस्ट बना है और ये अवार्ड टेनिस का है। चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि टेनिस हॉल ऑफ फेम में लियडर पेस और विजय अमृतराज को चुना गया है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के रहने वाले हैं। ओलंपिक में टेनिस खेल में पदक विजेता भारतीय कौन है, तो ये 1986-96 का ओलंपिक था, अटलांटा में हुआ था यूएसए में, और पीछे जीतने वाले थे लियडर पेस जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था यहाँ पे। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो ये विराट कोहली ने की है। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन और सर्वाधिक शतक किसने लगाए हैं, विराट कोहली ने लगाए, और इन 12,000 रन भी इसने बनाए हैं। 8वीं सेंचुरी इनकी जो हुई है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम में जयपुर में हुई है। सर्वोच्च स्कोर आईपीएल का इस बार किसका रहा, सनराइजर हैदराबाद का रहा है। आईपीएल में इतिहास ने सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो मिशेल स्टार्क हैं, क्योंकि केकेआर ने खरीदा था 24.7 करोड़ में। क्रिकेट वनडे सर्वाधिक शतक लगाने वाले 50 सेंचुरी इसमें लगाए थे, इसमें विराट कोहली जी हैं। आईपीएल पहली बार विजेता बना था जिस राजस्थान 2008 में, कैप्टन थे शेन वॉर्न। आईपीएल की कुल टीम 10 हैं। ये महिला प्रीमियर लीग का सेकेंड चरण संस्करण था इस बार, जीती आरसीबी, कैप्टन स्मृति मंधाना थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपात को साजीबू चेराई अबो नववर्ष त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो ये मणिपुर में मनाया गया है, और महाराष्ट्र और गोवा में इसे गुड़ी पर्वा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका में इस दिन को चैत्र शुक्ल प्रतिपादा को उगादी बोलते हैं। सिंधु समुदाय में चेटी चंड बोलते हैं। भगवान झूलेलाल चेंग की जयंती मनाई जाती है इस दिन। कश्मीर में नवरहे बोलते हैं। उत्तरी पूर्वी इंडिया में से मणिपुर में साजीबू चेरावो बोलते हैं, केरल में इसे पिस्सू बोलते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, लॉकट झील है जो मणिपुर में स्थित है। हिरण भी यहाँ पर संगाई हिरण पाए जाते हैं मणिपुर में, और मार्शल आर्ट जो है वो थंगट है, मार्शल आर्ट एक डांस है जो थंगट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का कि आई लिंक 2023-24 का खिताब किसने जीता है, तो कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है। आयोजन शिलोंग मेघालय में हुआ था। स्टार्टिंग हुई थी 2007 और 2008 में स्टार्ट हुआ था ये। रिलेंट टॉप पॉइंट्स है कि जो आपका फुटबॉल ट्रॉफी है वो संतोष डूरन और रोवर्स की जो ट्रॉफी होती है वो फुटबॉल की ट्रॉफी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।